अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलाम अली यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आउट पास खुल चुके हैं और आउट पास पर जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और अपने पैरों के साथ ये ईद उल अजहा के मौका पर अपने पैरों के साथ ईद गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ कि आपने अपना टच एंड गो का जो वॉलेट है, ई वॉलेट है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखना और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल के आइकन को लाजमी दबा देना, आपको आपके फूफा जी के सब ठीक है सही है। चलते हैं आगे अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो भाई जिन्होंने अभी तक टच एंड गो की जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की तो वो प्लीज अपना प्ले स्टोर खोलें और इस ऐप को डाउनलोड करें और कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं लगाऊं बताने आपको ये तरीका कि कैसे आपने ये वीडियो जो टच एंड गो की ऐप है इसको रजिस्टर करना है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सही है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो आपने अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड की है ऐप उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस ऐप में आपने साइन अप का देखना है कि किधर साइन अप लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो आपको अब नंबर आपसे मांगेगा, आपने फौरन उसमें अपना नंबर ऐड करना है जो मलेशिया का नंबर है, ठीक है। अपनी सिम का जो नंबर है वो आपने उसमें ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद वो ओटीपी आपको भेजेगा, उस नंबर के एक मैसेज आएगा, उसमें 6 अंक से या 4 अंक से या 5 अंक से जितने भी हैं वो उसमें भेजेगा आपका कोड नंबर, ठीक है। उस कोड को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आगे वो आपसे पूछेगा कि अपना एक, ठीक है, 6 नंबर का पासवर्ड बनाओ। तो आपने पहले भी वही पासवर्ड डालना है, उसके बाद वो बोलेगा कंफर्म पासवर्ड, तो फिर भी वही डालना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो आपसे आपको बेसिक मालूमात पूछेगा, जैसा कि आपको कौन सी मूवी पसंद है। ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसमें आपसे वो पूछेगा आपको कौन सी मूवी पसंद है, आपका प्राइमरी का स्कूल कौन सा है, तो आपका चाइल्डहुड का नेम क्या है। तो आपने अपने चाइल्डहुड का नेम जो है वही लिखना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम है। फर्ज करें मेरा नाम गुलाम अली तो मैं गुलाम अली लिख देता हूँ, आपका जो भी नाम है आपने वहां पे वो लिख देना है। उसके बाद आपने वो शो करेगा आपको एक पेज, उस पर लिखा होगा आपकी मालूमात पूछेगा आपसे, नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, ये वो इस तरह की चीजें पूछेगा। सबसे पहले आपने वहां पे मलेशिया की होगी तो मलेशिया नहीं लिखना है आपने, ठीक है। उससे पहले आपने अपना पाकिस्तान का, पाकिस्तानी ज्यादा हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हमने वहां पे अपना पूरा नाम लिखना है जो एज अ आईसी पर, एज अ पासपोर्ट पर हमारा नाम चलता है वही नाम लिखना है। जैसा कि पासपोर्ट पे लिखा है अली गुलाम तो उल्टा लिखते हैं ना, तो इसी तरह आपने भी अपना नाम ऐसे ही लिखना है कि उल्टा करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। नेशनैलिटी लिखने के बाद आपको जो वो नीचे नीचे पूछता जाएगा आपने वो फिल करते जाना है। उसके बाद आपने एंड पे जाके उसको एग्री कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो आपने जब सबमिट करना है उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको फेस रिकॉग्नाइजिंग, तो आपने फेस को जो रिकॉग्नाइज करना है कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपना कैमरा अच्छी तरह से साफ कर लेना है, फ्रंट कैमरा, उसके बाद फ्रंट कैमरे के साथ आपने जिस तरह सेल्फी लेते हैं ऐसे सामने एक तस्वीर लेनी है अपनी अच्छे वाली, उसके डायग्राम में रहते हुए, ठीक है। उसके डायग्राम से आपको बाहर नहीं जाना होगा, आपका जो फेस है उसके अंदर डायग्राम के अंदर ही रहना चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और 1 से 2 सेकंड बाद वो आपकी खुद फोटो क्लिक कर देगा, ठीक है। ये बात होने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है, ओके हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि आपने कैसे उसमें पैसे डालने हैं। तो मेरे भाई, मैंने उस भाई वीडियो जो अभी तक नहीं आपने अगर देखी तो आप देख लें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप किसी भी 7-Eleven पर जाएं, मलेशिया में किसी भी 7-Eleven पर जाएं, आप उनके जाकर तो कहें कि ये हमारा अकाउंट है, हमने इसको रीलोड या टॉपअप करवाना है, तो जितने का आपने टॉपअप करवाना है तो आपने उसको पैसे देने हैं, वो आपको टॉपअप कर देंगे और आपको जो अकाउंट बन जाएगा उसके ऊपर आपको ये शो हो जाएगा कि कैसे कितने पैसे आपने डलवाए हैं और कितने पैसे आपके टॉपअप के ऊपर आ गए हैं, कितने पैसे शो हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना मेरे चैनल को और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।